अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लगाने का ऐलान किया है, तो हम बात करेंगे कि ये टैक्स कौन सा है, किन चीज़ों पर लगा है और कब लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। saudiexpatriates.com ये एक वेबसाइट है, इस पर एक आर्टिकल शाया हुआ है इस टैक्स के बारे में, तो हम बात करेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ 5% इज टू बी लिविड इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम 1 जनवरी ऑन प्राइवेट स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स एंड मोबाइल बिल्स, सेट द जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स ऑफ द किंगडम। ये जो इजाफी टैक्स है 5%, 5% ये सऊदी अरेबिया में 1 जनवरी से शुरू होगा और लागू होगा निजी स्कूल जो हैं, यानी के गवर्नमेंट मदरसों के अलावा जो निजी स्कूल हैं उन पर यह टैक्स लागू होगा, और बिजली के बिलों पर यह टैक्स लागू होगा। उसके बाद पानी के ऊपर यह टैक्स लगेगा और मोबाइल बिलों के ऊपर यह टैक्स लगेगा। ये ऐलान किया है ज़कात और टैक्स के जर्नल ने। Regrading 5% of VAT on mobile bills, it will be applicable on prepaid phone cards, recharge cards, internet cards, repair and maintenance services. ये जो 5% जो टैक्स लगेगा वो मोबाइल बिलों पर लगेगा, जो के पोस्ट पेड सिम के बिल होते हैं उन पर भी लगेगा, और प्रीपेड सिम कार्ड होते हैं उन पर भी लगेगा। उसके बाद जो रिचार्ज कार्ड होते हैं 10 रियाल का 20 रियाल का 50 का 100 का जितना भी, उस पर 5% टैक्स लगेगा। उसके बाद इंटरनेट कार्ड्स यानी जो हम लोग MB या GB खरीदते हैं उस पर भी अब कटौती होगी, उस पर 5% टैक्स लगेगा। उसके बाद कोई मोबाइल हम रिपेयर या मेंटेनेंस उसकी करवाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा। हमें सऊदी गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों का टैक्स अदा करना होगा। ये वैल्यू एडेड टैक्स यानी जो इजाफी टैक्स है 5%, ये अभी हम अगर सऊदी अरेबिया में किधर भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर भी लगेगा। इसमें लिखा हुआ है कि इजाफी टैक्स है 5%, ये जो नौकर पेशा अफराद हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं उनकी सैलरियों पर ये टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो रेंट वाले हाउस हैं यानी यहाँ किराए पे लोग रहते हैं उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा, और किसी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज पे जो भी हुकूमत के काम हैं उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, एक बार फिर बताता चलूं, ये जो इजाफी टैक्स है 5%, ये 1 जनवरी से मोबाइल बिलों पर, मोबाइल कार्ड पर, पोस्ट पेड हो या प्रीपेड हो, इंटरनेट की सिम पर, इंटरनेट रिचार्ज पर और स्कूल फीसेस पर जो कि प्राइवेट स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं उन पर, बिजली के बिलों पर और पानी के बिलों पर यह टैक्स अदा करना होगा। हमें सऊदी गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर यह टैक्स लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2018 से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।